गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू हाव ए यू ऑल टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर टू ऑफ क्लास सेवन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एमीबा और इस बार हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन या ह्यूमन बींग्स ठीक है तो वी ह्यूमन बींग्स एट फूड एवरीडे ठीक है बिना खाना के तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे इसलिए खाना जरूरी है वाट हैपन टू दिस फूड इस फूड का होता क्या है कहाँ जाता है ये तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ह्यूमन आर ऑमनिव यानी प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं ठीक है आवर बॉडी इज देयर फॉर एबल टू डाइजेस्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल फूड हमारा बॉडी क्या करता है दोनों फूड को डाइजेस्ट कर सकता है यानी पचा सकता है वी टेक इन फूड थ्रू आवर माउथ हम लोग माउथ से क्या करते हैं फूड अंदर लेते हैं फ्रॉम द माउथ द फूड पैसेज थ्रू ए नंबर ऑफ ऑर्गेन्स इन द बॉडी यानी कि फूड फिर अलग अलग ऑर्गेन से यानी अंग से पास होता है बॉडी के अंदर से ऑल दिज ऑर्गन टुगेदर फॉर्म ए फूड कैनाल कैनाल मतलब एक लंबा सा पाइप फूड कैनाल जिसको बोलते हैं जिससे फूड होके फ्लो गुजरता है कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ट्रैक्ट मतलब रास्ता ठीक है कनाल मतलब यहाँ अगेन पाइप यानी कि एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं या फिर आप उसको फूड कैनाल भी बोल सकते हो तो आप यहाँ देखो यहां से माउथ है यहां से पास हो रहा है फिर आपका स्टमक में जाएगा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में तो ये पूरा एक लंबा सा पाइप है जिसको क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक ठीक है तो उसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है द कैनाल थ्रू विच फूड पासिस वैसा पाइप जिससे फूड पास होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है एनस तक ठीक है तो उसे क्या बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होता है माउथ टू एनस लास्ट पॉइंट इसका यहाँ है ऑल्सो कॉल फूड कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल ठीक है द एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग लंबा होता है देख रहे हो काफ़ी लंबा यहाँ से यहाँ तक है एंड क्वल्ड ट्यूब यानी कि ये काफी उलझा हुआ होता है मुड़ा हुआ ये देख रहे हो स्मॉल कितना उलझा हुआ है इसमें इट इज कंसिस्ट द फॉलोइंग सेवन ऑर्गन्स इसमें क्या क्या आते हैं माउथ और माउथ कैविटी कैविटी का मतलब होता है जो मुंह में जो खाली पार्ट होता है जिसमें आप फूड डालते हो वो उसको क्या बोलते हैं बकल कैविटी ये भी आपको याद रखने वाला बात है अभी उतना नहीं है लेकिन आगे के क्लास में आपको काम देगा ठीक है माउथ को क्या बोलते हैं बकल कैविटी या फूड पाइप ठीक है फूड पाइप तभी छोटे क्लास में है पढ़ते हैं लेकिन अभी क्या ध्यान में रखना होगा ऑयसोफेगस ये रहा आपका दिख रहा है ऑइसोफेगस यहां से यहां तक जहां से आपका माउथ से स्टोमेक में ट्रांसफर कर रहा है फूड ये पाइप उसको क्या बोलेंगे ऑइसोफेगस नेक्स्ट है स्टोमेक ये आपको दिख रहा होगा स्टोमक जे शेप्ड ऑर्गेन इसको कहते हैं जे ये दिख रहा है जे तो ये जे शेप्ड ऑर्गेन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन ये अंदर वाला पार्ट ये आपको जो ब्राउन कलर से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ये आपको दिख रहा होगा ठीक है रेड कलर से ये लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम ये ऊपर वाला पार्ट एनस के थोड़ा सा ऊपर है रेक्टम और हो गया आपका एनस ठीक है ये हो गया एनस आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा है यहां पे ठीक है ये हो गया पैन क्रियाज ये एक छोटा सा मिर्ची जैसा होता है इसका शेप ऐसे ऐसे ये होता है पैन क्रियाज ठीक है इसका काम है डाइजेस्टिव जूस बनाना और उसको रिलीज़ करना ठीक है वो डाइजेशन में हेल्प करता है और यहाँ पे हो गया आपका अपेंडिक्स जिसका कोई काम नहीं है बिना काम का है ये ठीक है गॉल ब्लैडर ये भी क्या है डाइजेस्टिव जूस बनाता है ठीक है लिवर ये भी डाइजेस्टिव जूस बनाता है हो गया नेक्स्ट है ए फ्यू ग्लैंड्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल यानी कि कुछ और भी होता है एलिमेंट्री कैनाल में कुछ और ग्लैंड्स होते हैं ग्लैंड्स क्या होते हैं तो ग्लैंड्स वैसे आ, पाउच है या थैली है जो डाइजेस्टिव जूस बनाता है जैसे कि अभी आपने पढ़ा था लिवर गॉल ब्लैडर पैन क्रियाज ठीक है ये हो गया एक और है सेलेवरी ग्लैंड्स ये कहाँ होता है यहाँ देखिए सेलेवरी माउथ में प्रेजेंट होता है यहाँ क्या होता है सेलेवरी ग्लैंड जो क्या सीक्रेट करता है यानी सीक्रेट मतलब क्या बनाता है और रिलीज करता है सलाइवा सलाइवा का क्या मतलब होता है थूक ठीक है लिवर एंड पैनक्रियास जैसा अभी मैंने बोला लिवर और पैनक्रियास डाइजेस्टिव जूस बनाएगा और रिलीज करेगा दीज ग्लैंड सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस विच कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर वंस यानी कि ये कॉम्प्लेक्स फूड को किस में बदल देता है सिंपल फॉर्म में ताकि आपका बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जहाँ से फूड पास हो रहा है और जो उसके साथ जो ग्लैंड लगा हुआ है जो डाइजेस्टिव जूस बना रहा है वो सब साथ ही मिलकर क्या बनाता है डाइजेस्टिव सिस्टम तभी तो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हो पाएगा फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ फूड को फूड अंदर कैसे आता है माउथ में माउथ से दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इंजेशन ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ इंजेशन ठीक है तो यहाँ डू यू नो में वी इट अबाउट 500 हंड्रेड के जी ऑफ फूड पर ईयर एक साल में लगभग कितना किलो खाना खा जाता है 500 हंड्रेड ठीक है यहाँ देखते हैं सलाइवा इट इज अ वाटरी सबस्टांस पानी जैसा होता है सिक्रेटेड बाई सी ग्लैंड इन द माउथ ये सैलिवरिक ग्लैंड ग्लैंड क्या है थैली है पाउच है जो कि कुछ पर्टिकुलर चीज बना रहा है एंजाइम बना रहा है ठीक है इट कंटेंस नाइंटी नाइन परसेंट वाटर इट ऑल्सो कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी कि इसमें नाइन्टी नाइन परसेंट वाटर होता है और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है ठीक है आप जो खाना खा रहे हो उसका डाइजेशन जो है ना वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है क्यों क्योंकि माउथ में क्या प्रेजेंट है सलाइवा और सलाइवा में क्या है डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब डाइजेशन कहा से शुरू हो गया माउथ से वन पॉइंट सेवन लीटर ऑफ सलाइवा इज प्रोड्यूस ईच डे यानी कि यानी कि वन पॉइंट सेवन लीटर सलाइवा हर दिन बनता है नेक्स्ट है आपका माउथ द माउथ कंटेन्स द टंग तीत एंड सैलेवरी ग्लैंड माउथ में क्या क्या होता है टंग होता है तीत होता है और सेलेवरी ग्लैंड जो हमें दिखता नहीं है ठीक है चीक्स में होता है या फिर टंग के नीचे प्रेजेंट होता है और ईयर के पास होता है तो हमें दिखता नहीं है. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो डैट डाइजेशन बिगेन्स इन द माउथ इट सेल्फ यानी कि ये क्या है डाइजेशन अपने आप स्टार्ट हो जाता है माउथ में द तीथ हेल्प इन ब्रेकिंग बिगर फूड पार्टिकल इंटू स्मॉलर पीसेज दांत क्या करता है बड़ा फूड को छोटा पार्ट में तोड़ देता है तो उससे क्या बोलते हैं च्यूइंग च्यू चीव मतलब चबाना या मैस्टिकेशन यानी कि मिलाना चबा चबाना और मिलाना मिक्स करना दोनों हो गया दिस इज़ ए मैकेनिकल प्रोसेस आप ये भी बोल सकते हो कि ये फिजिकल प्रोसेस है बड़ा पीस को सिर्फ छोटा पीस में तोड़ दिया द टंग हेल्प इन मिक्सिंग टंग का काम क्या है मिक्स करना सलाइवा को विद द फूड ताकि प्रॉपर मिक्स हो जाए सलाइवा क्या होता है थोड़ा सा चिपचिपा होता है तो क्या होगा ताकि आपके गले से और जिसको बोलते हैं से स्टोमक में इजली चला जाए बिना अटके हुए ठीक है सलाइवा इज द वाटर सबस्टांस डेट इज प्रेजेंट इन द माउथ ये भी हमने पढ़ा था इट इज सिकेटेड बाय थ्री पेयर ऑफ सेलेवरी ग्रैंड थ्री पेयर समझ में आ रहा है सिक्स हो गया तो फिर थ्री पेयर सेलेवरी ग्लैंड द जूस प्रेजेंट इन दलाइवा हेल्प इन केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन शुगर स्टार्च क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर और इसको किसमें बदल देगा डाइजेशन के बाद कौन सलाइवा स्टार्च के डाइजेशन के बाद इसको शुगर में बदल देगा शुगर यानी सिंपल फॉर्म में ये क्या है स्टार्च अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आफ्टर द फूड इज ब्रोकन डाउन सिंपलर पीसेज एंड मिक्स विद सलाइवा इट इज स्वालोड डाउन यानी निगल लिया जाता है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम नीचे की तरफ एंड एंटर द फूड पाइप ऑसो फेगस ठीक है तो ये क्या होता है फिर आप उसको ऑसो फेगर्स आप सोच रहे होंगे कि हम लोग उतना देर मुंह में रखते ही कहाँ है तुरंत खा जाते हैं तो हाँ जितना देर मुंह में रहता है उतना ही देर डाइजेशन होता है स्टार्च का ये नहीं कि पूरा डाइजेस्ट हो जाता है वही पूरा डाइजेस्ट होने के लिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना पड़ेगा ओके नेक्स्ट से बिफोर वी गो फर्दर लेट लर्न मोर अबाउट द टीथ एंड टीथ और टंग के बारे में पढ़ेंगे टीथ लोकेटेड इन आवर जॉ यानी जबड़ा जो कि दो है लोअर एंड अपर ठीक है हेयर इज द लोअर एंड हेयर इज द अपर इन द माउथ कैविटी माउथ में दे आर फिक्स टू द गम्स गम्स यानी मसूरा में होता है फिक्स होता है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कि स्ट्रक्चर किस हिसाब से उसका शेप एंड साइज है और उसका काम क्या है तीत आर ऑफ फोर टाइप चार टाइप का होता है इन सीजर ऐसा इंस ऐसा प्री मोलर्स एंड मोलर्स ठीक है टेबल नंबर टू पॉइंट वन जो कि यही है ऑन द नेक्स्ट पेज गिव द टाइप एंड नंबर ऑफ थीथ इन ह्यूम तो आप देखो यहां पे पहले ठीक है यहाँ पे आपका हो गया सेंट्रल इंसीजर सेंट्रल यानि बीच में आगे की तरफ लैटरल ये दोनों क्या है ये दोनों सेंट्रल इंसीजर है ये आगे वाला दोनों ठीक है और ये जो बगल वाला है लैटरल लैटरल का मतलब क्या होता है साइड में लैटरल मीन्स साइड जब ये सेंटर में है दो दांत तो इसके बगल वाला हो गया तो साइड में हो गया लैटरल इन ये दोनों बगल में आगे का चार दांत हो गया ठीक है ये वाला एक दो तो, तीन चार अब उसके बाद क्या है इंसीजर चार ही होता है इंसीजर फोर ऊपर चार और नीचे भी चार तो टोटल कितना हो गया एट नेक्स्ट है आपका कनाइन यहां क्या है एक कनाइन यहां भी क्या है एक कनाइन होगा ठीक है यहां भी और यहां भी एक साइड से दिखाया हुआ दूसरी साइड नहीं दिखाया हुआ ठीक है क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्यों क्यों हो क्यों क्यों जाएगा इसलिए तो ऊपर हो गया दो तो नीचे भी क्या हो गया दो तो कितना हो गया कैनाइन चार चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो टू इंटू टू नेक्स्ट आपका प्रीमोलर कैनाइन के बाद क्या हो गया प्रीमोलर तो उसके बगल में हो गया फर्स्ट प्रीमोलर ठीक है और हो गया सेकेंड प्रीमोलर यानी ये क्या हो गया एक दो तीन चार चार हो गया तो चार ऊपर और चार नीचे कितना हो गया आठ और नेक्स्ट क्या है आपका मोलर मोलर क्या है जिसको आप चौ बोलते हो हिंदी में ठीक है तो यहां हो गया आपका फर्स्ट मोलर सेकेंड मोलर और ये हो गया थर्ड मोलर तीन इधर तीन इधर तीन तीन छ और छे और छः कितना हो गया बारह ठीक है क्लियर है आपका यहाँ सेलेवरी ग्लैंड भी दिखाया गया है मैंने बोला था यहाँ कान के पास होता है टंग के नीचे होता है यहाँ पे है तीन इधर हो गया तो तीन जैसे मान लिया जाए ये लेफ्ट साइड है तो उसके पीछे वाला साइड क्या होगा राइट साइड तो उधर भी क्या होगा तीन तो ये हो गया क्लियर टाइप्स एंड नंबर ऑफ चीज जैसा कि मैंने बताया था इन सामने की तरफ ऊपर वाले लोअर वाले जो में मतलब निचला जबड़ा में कितना हो चार चार टोटल कितना हो गया आठ कैनाइन क्या होता है पॉइंटेड होता है शार्प होता है बगल में होता है इंसीजर के दो ऊपर और दो नीचे क्या हो गया आपका फोर हो गया एक्चुअली यहाँ कुछ प्रॉब्लम है यहाँ दोनों में लोअर लिखा है तो आप एक में अपर एक में लोअर कर लेना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें नंबर सेम है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी टोटल भी सेम ही है ठीक है प्रीमोलर्स कितना है आपका चार और चार चार ऊपर चार नीचे टोटल एट मोलर्स छः ऊपर छः नीचे टोटल ट्वेल्व काम क्या है देखिए इंसीजर क्या काम है कटिंग एंड बाइटिंग सामने वाले दांत से आप जैसे कोई फ्रूट खाना हुआ तो आप क्या करते हो सामने वाले इंसीजर से ही कट करते हो और बाइटिंग द फूड काटने के लिए ठीक है कैनाइंस पियर्सिंग यानी छेद करना एंड टियरिंग यानी फाड़ना फूड को ठीक है जनरली ये फ्लैश खाने के लिए होता है यानी मीट नेक्स्ट है प्रीमोलर मोलर्स यानी चबाने के लिए और ग्राइंड यानी मिक्स करने के लिए तो मोलर का भी क्या काम है दोनों का काम सेम ही अच्वीमिंग एंड ग्राइंडिंग ये आपका होमवर्क है ये आपको याद रहना चाहिए पूरा का पूरा ठीक है आप इसमें इसको मान ली इसको काट लेते हैं इसको अपर कर लेते हैं ठीक है अपर जो एंड लोअर जो ओके ये आपका होमवर्क है